किसे लिखा ये? हाँ, किसे लिखा ये? है हिम्मत तो सामने आओ। नहीं मानेंगे। डेपोक साहब के जैसा डस के बिल में घुस जाते हैं। आपको कुछ करना ही पड़ेगा। जिसने भी किया है गलत किया। छोटू, पानी ले बाल्टी। इसको मिटाने की क्या जरूरत है? मैं सदी पकड़ा। इसे बस थोड़ा बदल दीजिए। आरक्षण के बदले लिख दीजिए खैरात। खैरात हमारे जन सत्ता अधिकार है। पिछले 60 साल से एससी एसटी और अब ओबीसी आरक्षण। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका आया तो खैरात लूट लीजिए आप। डर लगता है ना मेहनत करने से? अच्छा, हमें मेहनत का पाठ पढ़ा रहा। हमने आज तक किया क्या? अरे भूल गए तो फिर से पढ़ लीजिए इतिहास कि कौन मेहनत करके कमाता रहे और कौन उसे खैरात समझकर लूटता रहे। अरे सदियों से दक्षिणा ले लेके भर लिया अपनी पेटियां आप लोगों ने और हमसे खैरात की बात करते हैं? आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपकी बेटियों की बीवियों की डोलियां उठाई हमने, आपके मुर्दे चलाए, जूते सिए, बैल हाके, नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहां तक कि आपकी टट्टी भी सर पर ढोई हमने। हमें मेहनत सिखाएंगे आप? ठीक कहा आपने, उसकी काबिल है आप, उतनी ही औकात है आपकी और यही खटी है आप। यहाँ देश के भविष्य को बनाने की बात हो रही है और जो काबिल होगा उसी को मिलेगी जगह, मगर आप लोगों को तो सब कुछ वो करना चाहिए। सच तो ये है कि कॉम्पिटिशन से डरते हैं आप। किस कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हो? वही जो आपने हमें कभी करने नहीं दिया। अरे हमारे लिए तो स्कूल के सारे दरवाजे ही बंद थे। किसी तरह हम वहां पहुंच भी गए तो हमें छांट कर अलग लाइन में बिठा दिया। स्कूल तुम्हारे, अस्पताल तुम्हारे, पुलिस स्टेशन तुम्हारे, सब सुख सुविधा के सारे तंत्र तुम्हारे। पता है तुमने क्यों दिया हमें मौका कॉम्पिटिशन का? क्योंकि तुम डरते हो बराबरी के कॉम्पिटिशन से, हम नहीं। इतिहास की आने अपनी कमजोरी मत छिपा तुम लोग। हमारी जनरेशन में ऐसा खुद से ही होता है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज उठाओ और लड़ो, मगर वो आप करेंगे नहीं क्योंकि उसके लिए चाहिए मेरिट जो नहीं है तुम्हारे पास। करेंगे मुकाबला मेरिट से भी तुम्हारा, मगर रेस की स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए सबके लिए। जाओ पहले अपने बाप से कहो अपनी पुश्तैनी हवेली को छोड़कर हमारे पास आकर बस्ती में रहे और रोज सुबह कंपनी के बर्तन चढ़ाकर ड्राइवर दरबान या चपरासी की नौकरी पर जाए। अपनी माँ से कहो कि अपने एयर कंडीशन आशानी से निकले और हमारी माँ के पास आकर घर घर झाड़ू बर्तन करे। अपनी बहन से कहो कि रोज सवेरे आँख खुलते ही मोहल्ले की म्यूनिसिपैलिटी के इकलौते नलके से एक घड़ा पानी भर कर लाए। आओ हमारे साथ, हमारी जिंदगी चखो, फिर बात करो।